फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज है संडे और संडे होता है हमारे चैनल पे किड्स स्पेशल डे। मैं हर संडे बच्चों से रिलेटेड किसी ना किसी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करती हूँ या उनकी कोई एक्टिविटी शेयर करती हूँ। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का वीडियो है फुल कंपैरिजन ऐसे प्रोडक्ट पे जो कि हम या तो यूज़ करते थे, करते हैं या करेंगे। उन सारी मॉम्स के लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। तो नए हैं आप मेरे चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग की बात करेंगे। तीनों की पैकेजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, इनमें किसी भी तरह की लीकिंग का इश्यू नहीं होता है, पैकेजिंग काफ़ी टाइट दिखाई देती है। तीनों की ही बोतल को आप ऊपर से ओपन करेंगे, ये टॉप ओपनिंग बोतल मिलती है आपको 100 ml की, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटे से पैक हैं 100 ml के, तो इसलिए ये काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली हैं। अगर आपको कहीं घूमने वगैरह जाना है तो आप बड़े पैक्स ना ले जाके छोटे पैक ले जा सकते हैं। तीनों ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो पॉकेट फ्रेंडली हैं, ट्रेवल फ्रेंडली हैं। इन तीनों ही बेबी शैम्पू में आपको मिलता है नो मोर टीयर्स का फॉर्मूला। तो जब आप इनको अपने बच्चे की हेयर्स पे यूज़ करेंगे तो आइज़ में किसी भी तरह के इरिटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इन तीनों ही प्रोडक्ट्स पे मेंशन है कि इनमें किसी भी तरह का सिलिकॉन, पैराबिन या सल्फेट यूज़ नहीं किया गया है। तो आइए मैं आपको इन तीनों प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं जॉनसन्स बेबी शैम्पू की कंसिस्टेंसी। वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट सी ही बोतल है, तो आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही होगी, ये रनिंग कंसिस्टेंसी में मिलती है। वहीं हम बात करते हैं हिमालय बेबी शैम्पू की कंसिस्टेंसी की, तो ये मीडियम कंसिस्टेंसी की है, क्योंकि मेरे पास 100 ml की बोतल ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने इसकी 400 ml की बोतल ऑर्डर करी है। और ये जो 400 की ममाअर्थ की बोतल है, ये आपको पंप टाइप की बोतल रिसीव होती है। तो ममाअर्थ बेबी शैम्पू जो है वो आपको थिक कंसिस्टेंसी में देखने को मिलता है। अब मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हिमालय बेबी शैम्पू की। तो हिमालय बेबी शैम्पू में है हिबिस्कस, जो कि बालों को सॉफ्टन करता है, और नेचुरल प्रोटीन चिकपी, जो कि इसको और ज़्यादा शाइन देता है। इसमें है खसखस, जो कि स्कैल्प को कूल रखता है। अब हम देखते हैं ममाअर्थ बेबी शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें है लेवेंडर ऑयल, और है इसमें विटामिन ई की गुडनेस, और उसके साथ साथ ये है कोकोनट बेस्ड क्लिंजर और कोकोनट की नरिशिंग प्रॉपर्टी तो हम सबको पता ही है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ममाअर्थ और हिमालय की बोतल पे यहाँ पे ये मेंशन है कि इसके अंदर जो हर्ब्स यूज़ करे गए हैं उसकी वजह से इस प्रोडक्ट का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन इसकी क्वालिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस तरह की कोई भी बात जॉनसन्स बेबी शैम्पू पे मेंशन नहीं है। हिमालय बेबी शैम्पू पे मेंशन है कि ये क्लिनिकली टेस्टेड है, वहीं ममाअर्थ के बेबी शैम्पू पे ये मेंशन है कि ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, हाइपो एलर्जिक है। और इन तीनों की पैकेजिंग जब हम देखते हैं, बस ममाअर्थ के बेबी शैम्पू पे ही एज ग्रुप मेंशन हो रखा है, यानी कि 0 से 5 ईयर्स तक के बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं। वहीं हिमालय बेबी शैम्पू और जॉनसन बेबी शैम्पू पे किसी भी तरह का एज ग्रुप मेंशन नहीं हो रखा है। आपको ममाअर्थ बेबी शैम्पू की बोतल पे ऐसे कार्टून से बने दिखाई देते हैं, जैसे एलिफेंट वगैरह इन्होंने बना दिए हैं, बच्चों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस तरह के कार्टून भी इस पे बनाए हुए हैं, जो कि बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ममाअर्थ एशियाज फर्स्ट मेड से ब्रांड है, और ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। ये सब इन्होंने अपनी बोतल पे ये हमेशा मेंशन करते हैं कि जितना प्लास्टिक के यूज़ करते हैं उतना प्लास्टिक के रिसाइकिल करते हैं, और ये 100% वीगन है, ऑल प्लांट बेस्ड हैं।
तो अब हम इन प्रोडक्ट्स की फ्रेग्रेंस देख लेते हैं। तो हिमालयस बेबी शैम्पू की जो फ्रेग्रेंस है वो माइल्ड फ्रेग्रेंस में आपको मिलती है, वहीं ममाअर्थ की फ्रेग्रेंस जो है वो ऑल नेचुरल फ्रेग्रेंस है। इसमें जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करे हैं उसकी फ्रेग्रेंस आपको मिलती है। इसकी फ्रेग्रेंस मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो हम प्राइसिंग देख लेते हैं इन तीनों प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉनसन बेबी शैम्पू की। तो इसकी प्राइसिंग ये 100 ml की बोतल जो है वो आपको 98 rupees में मिल जाती है। अब देखते हैं हिमालयाज की। तो हिमालय बेबी शैम्पू जो है वो भी 100 ml आपको 90 rupees में मिलता है, और ममा अर्थ है उसका 100 ml जो है वो आपको 99 rupees में मिल जाता है। तो अगर हम प्राइस वाइज देखते हैं तो तीनों में प्राइस वाइज आपका हिमालय बेबी शैम्पू जो है वो सबसे कम प्राइस में रिसीव होता है, और जॉनसन और ममा अर्थ के प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। मैंने पहले अपने बच्चों के हेयर्स पे यूज़ किया था ये ममा अर्थ का 100 ml का बोतल। जब वो मेरा ख़त्म हो गया तब मैंने ये 400 ml की बोतल मंगवाई है। 400 ml की बोतल जो है वो 399 rupees का है, लेकिन जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि ममा अर्थ पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऑफ मिलता है, वो हमेशा आपको ऑफ देते हैं, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आपको रिसीव हो जाते हैं। तो मैंने आपको पूरी वीडियो में बता दिया है इन तीनों प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन, और मैं अंत में आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि हम सबकी पसंद अलग अलग होती है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई माइल्ड शैम्पू ढूंढ रहे हैं, ऑल प्लांट बेस्ड शैम्पू ढूंढ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ममा अर्थ बेबी शैम्पू ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, ये क्रुएल्टी फ्री है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी एनिमल इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया गया है। इन सभी प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से आके चेकआउट कर सकते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लग रही है तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।